हमने बताया था देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कशन किया। ये प्लांट्स हार्मोन्स में हमने ऑक्सिन्स के बारे में बात किया, गिबरेलिन्स के बारे में बात किया, साइटोक्रिन्स के बारे में बात किया, एफेसिक एसिड के बारे में बात किया। ये सुनो, अब हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशन के बारे में, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन क्या है बेटा, दिखाई दे रहा है। ऑक्सिन आर द प्लांट हार्मोन्स विच प्रोमोट सेल इनलार्जमेंट, जो किसकी बात करता है, सेल की लार्जमेंट की बात, दिखाई दे रहा है। ऑक्सिन क्या है, एक प्लांट हार्मोन्स है जो सेल के क्या करती है, इनलार्जमेंट के बारे में डिस्कशन करता है, यानी उसकी ग्रोथ के बारे में, यानी सेल जो ग्रोथ होता है विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, बोलो ना, ऑक्सिन। ये सुनो, तो उसकी जितनी भी ग्रोथ है वो ऑक्सिन से जुड़ी होती है। अब अगला प्लांट हार्मोन गिबरेलिन्स है ना, गिबरेलिन्स, ठीक है, क्या होता है, एंड सेल डिफ्रेंशिएशन, हाँ, विच प्रमोट सेल इनलार्जमेंट, सेल डिफ्रेंशिएशन, सेल की जो बढ़ावा है उसको, सेल में जो डिफ्रेंशिएशन मतलब सेल में जो बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में बात करता है, उसको टूटना, गिबरेलिन्स हेल्प इन ब्रेकिंग, और उसको तोड़ने में भी मदद करता है। अगला हार्मोन इसका नाम है साइटोकिनिन्स, क्या नाम है, साइटोकिनिन्स, जो क्या बात करता है, सेल्स के डिविजन्स में, हमारे जैसे हमारी बॉडी के अंदर सेल्स डिवाइड होते हैं ना, डिवीज़न होता है ना, सेल डिवीज़न ऐसी, हाँ, तो साइटोक्रिन्स आर द प्लांट हार्मोन विच प्रोमोट सेल डिवीज़न इन प्लांट। ये सुनो, साइटोक्रिन आल्सो हैव बीन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड्स, वो सीड्स बर्ड्स नहीं होते जो ब्रेक होते हैं, किले टूटते हैं, किले का फूटना, ये मदद करता है, ठीक है। दे डिले द एजिंग इन लीव्स, पत्तियों की जो बुढ़ापा है उसे भी कम कर सकता है। आगे बढ़े बेटा, तो साइटोक्रिन्स एक हार्मोन्स होता है जो क्या कहता है, प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट, है ना। साइटोक्रिन्स आल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड्स, उसकी जो टूटता है। दे डिले द एजिंग इन लीफ, पत्तियों में बुढ़ापा को रोकता है। साइटोक्रिन प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, यहाँ तक कि जो स्टोमेटा जो रंध्र होते हैं पत्ती के अंदर, छेद होते हैं, जिसके कारण जो पत्ती देखी लीफ, लीफ के अंदर एक पोर्स होते हैं, उसका काम क्या होता है, इन पोर्स का एक्सचेंज इन गैसेस, है ना, फूड जो फूड बनाने में हेल्प करते हैं। दे आल्सो प्रमोट फूड ग्रोथ, और जो भोजन की ग्रोथ को मदद करते हैं। अगला बात है हमारा, एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट हार्मोन विच फंक्शंस मेनली एज ग्रोथ इनहिबिटर, एक और होता है प्लांट हार्मोन की ग्रोथ की जो बात करता है, जिसका नाम क्या है बेटा, एब्सिसिक एसिड। ये सुनो, एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट हार्मोन विच फंक्शन मेनली एज ग्रोथ इनहिबिटर, एब्सिसिक एसिड प्रमोट द डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड्स, मिल गया, दिस इज द अपोजिट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, ये प्रमोट करता है डोरमेंसी में, वो ब्रेक करता है ऊपर वाला, है ना। एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट हार्मोन विच फंक्शन मेनली एज ग्रोथ इनहिबिटर, एब्सिसिक एसिड प्रमोट द डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड्स, दिस इज द अपोजिट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, अच्छा इट इज इट आल्सो प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, अच्छा वो खोल रहा है बंद कर रहा है। एब्सिसिक एसिड प्रमोट द, हाँ क्या कर रहा है, विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ, जो पत्तियाँ टूट नहीं जाती हैं वो एब्सिसिक एसिड के कारण ही टूटती हैं। इट आल्सो कॉज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट, यहाँ तक कि जो फ्लावर है जो फ्रूट है उस प्लांट से ब्रेक होकर बाहर गिर रहा है, ये भी किसका काम बेटा, एब्सिसिक एसिड का। ये सुनो, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, हाँ 100% प्लांट हार्मोन्स 100%, और एक 99% आपका कंपैरिजन आता है, एक तो फ्लावर की डायग्राम, फ्लावर नहीं फ्लावर, अभी फ्लावर कराऊंगा मैं, एक फ्लावर की डायग्राम आ गई आपकी, ठीक है। इसमें अच्छा चैप्टर, इसमें बहुत क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। एक अगर ट्रॉपिक मोमेंट आ जाता आपका, वो है ना, एक तो ग्रेविटी की तरफ हो गया क्वेश्चन आपका, है ना, एक आ गया इसके अंदर, कौन सा आ गया, आसान है